बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूं कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनका भाई छोटा, ना मेरी माँ का है, ना मेरे भाई का है, ना मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वो तो पागल हो गए, मजनून हो गए हैं, वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं, ना वो नमाज ना रोजा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पर ये सब बातें बोल रहे हैं, कौन उनसे फैला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पहुंचना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूं, यहां से उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ, न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुक उनसे खत्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है, कबीरा उसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है, उसने कहा है, इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए, उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा, ना एक जबर हटेगा, ना जेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसकी हिफाजत अल्लाह करता रहेगा। आमीन।